ज्वाइन करते हैं, एक कमेंट पढ़ लूं। भूपिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए इस बीच जो है किफायत भाई हमारे साथ जुड़े हैं। किफायत भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास आएंगे उससे पहले एक कमेंट पढ़ रहा था, तो इनका पूरा मैं कमेंट पढ़ लूं। भूपिंदर सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, दुआओं के लिए। फरमा रहे हैं आज कौन सा टॉपिक है, किस मौजू पर आप बात करेंगे। तो सर हमेशा की तरह आज भी मेरा कोई टॉपिक नहीं है, मेरी यही ख्वाहिश रहती है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वही टॉपिक सिलेक्ट करें, ताकि किसी भी टॉपिक पर किसी ने बोलना हो तो वो अनकंफर्टेबल महसूस ना करे, या फिर जरूरी नहीं है कि वो हमारा ही सुने, खुद भी कुछ कहे। तो पर्टिकुलर आज कोई टॉपिक नहीं है। मनास साहब फरमा रहे हैं, और भाई कैसे हो? तो मैं ठीक हूँ, और दुआ यही है कि आप भी सलामत रहें। मारूफ सहाफी और मेरे काबिल दोस्त मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब भी जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अली साहब, मोहम्मद यासीन साहब फरमा रहे हैं आज सिर्फ आपने ही बोलना है। अगर मुझे बोल रहे हैं तो चलिए वो भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आशम दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अशरफ शेख साहब, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक आईडी है, वालेकुम सलाम, आजाद पंछी YR, शायद ये नाम इन्होंने जो है लास्ट में शार्ट लिखा है, तो मुकम्मल नाम इनका नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो वालेकुम सलाम, जजाकल्ला। जावेद भाई फरमा रहे हैं वांट टू ज्वाइन, भाई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मोहतरम वही मैंने भी आपको ज्वाइन करने की कोशिश की एक बार, लेकिन काफी देर वेटिंग में रहा तो आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, अगर मुझे ऑप्शन आ गया तो मैं आपको एकदम से जरूर जोड़ूंगा। इस बीच एक और कमेंट आया है, राफिया इकबाल, वालेकुम असलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ने के ख्वाहिशमंद है, इन्हें भी जोड़ लेते हैं, फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक नहीं बिल्कुल बल्कि दो दो रिक्वेस्ट आई हैं। किफायत साहब कुछ देर इंतजार करना पड़ रहा है, मैं माफी बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि फ्रेम मुकम्मल ही हो जाए, तो जी फिर मजा आएगा बातचीत करने में। मनाज साहब फरमा रहे हैं कि हमें भी ज्वाइन होना है। मनाज साहब बिल्कुल, आप रिक्वेस्ट भेजें, आपका खैर मकदम है, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। इस बीच हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, तनवीर रिशु साहब। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जी। वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब आपसे गुजारिश रहेगी कि आप म्यूट कर दें जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आवाज जो है रिपीट हो रही है। ये किसी किसी मोबाइल या फिर किसी किसी आईडी से जुड़ने के बाद ये होता है, ये ग्लिच है। तो उस बीच थोड़ा सा माजरत के साथ ये आप रखेंगे। जावेद इकबाल एक और हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम आशम दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई किफायतुल्ला भाई पंचायत कलिहांड से हैं, बिल्कुल पंचायत कलिहांड की शान। हमारे जावेद बढ़िया भाई फरमा रहे हैं किफायतुल्ला सईद साहब के लिए एक कॉम्प्लीमेंट इन्होंने दिया हुआ है। बहुत ताबिश बहुत जान शुक्रिया जावेद साहब, भाई। वालेकुम असलाम, मैं ठीक हूँ भाई। फारूक नटनू साहब, किफायतुल्ला भाई को मेरा सलाम कहना। फारूक साहब वालेकुम आपको सलाम, सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम बिलाल सलाम, डार मेरी साहब भी तरफ से भी फरमा रहे आपको हैं कि मैं अस्सलाम भी वालेकुम बिलाल डार साहब फरमा रहे हैं कि मैं भी ज्वाइन होना चाहता हूं। तो बिल्कुल मैं सभी को जोड़ने का ख्वाहिशमंद हूं, और हर एक को जोड़कर हर एक की बात हम सुनेंगे, और मुख्तसर से वक्त में हम सभी का जो आज पॉइंट ऑफ व्यू होगा या आज फिर कोई लाइव मौजू में होगा वो भी सुनेंगे। ग्राफ भी जो है बढ़ रहा है, आज लाइव में ग्राफ भी जो है बढ़ रहा है, मैं देख रहा बिल्कुल हूँ मैं ग्राफ भी चाहूंगा बढ़ रहा है आज तमाम लाइव में। साथी हमारे साथ जुड़े रहें, तो सभी को देखने में मजा आएगा। ग्राफ भी काफी अच्छा है इस वक्त, और तनवीर रिशु साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। और आखिर में एक और रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद अशरफ शेख साहब की, इन्हें भी हम ज्वाइन कर देते हैं, अगर ये जुड़ जाते जी हैं तो बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी तो खैर इस बीच हम सीधा अब किफायत भाई के पास जाएंगे, जब तक ये जुड़ते हैं। किफायत साहब, एक सहाफी होने के नाते हालात तो वाकत पर मैं फिर से बता दूं कि आपकी नजर तो होती ही होगी, तो किस मौजू पर आज आप बात करेंगे, और बिलखुसूस किस मौजू पे आज बहस मतलब बहुत जरूरी है। जी सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम जितने भी मेरे देखने वाले नाजरीन हैं, मेरे यार दोस्त हैं देखने वाले, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, प्रीत साहब नायक को और मुझे, और तनवीर भाई का भी बहुत बहुत वेलकम जो यहाँ पर जुड़े हैं लाइव में।
जावेद भाई ने मेरे लिए लिखा है, बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने लिखा है कि फायतुल्ला सईद कल्याण पंचायत की शान है। फारूक साहब ने सलाम मुझे भेजी है, उनको भी वालेकुम असलाम, मेरी तरफ से भी उनको सलाम करता हूँ मैं। आज मैं एक टॉपिक को जो है यहाँ पर छेड़ना चाहता हूँ सिर्फ, उसके बाद लोग किस तरह उस टॉपिक को जो है आपने अंदर अडॉप्ट करेंगे वो लोगों का काम होगा। मैं सिर्फ टॉपिक को छेड़ना चाहता हूँ। जरूर जरूर जैसा कि आपको पता होगा, पंचायती राज थ्री टायर सिस्टम कहा जाता था, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे। जी यहाँ पर पहले सरपंच जी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, उसके बाद डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हुआ। आप तमाम लोगों को बाखूबी इलम है कि ये थ्री टायर सिस्टम मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में कराना चाहती थी, और इस थ्री टायर सिस्टम को जिस तरह फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहा जाता है, उसी तरह तीन टायर वाला सिस्टम जो है इसको पंचायती राज को कहा जाता था। इस पंचायती राज के दरमियान कुछ स्कीमें लोगों के लिए लाई गई थी जो कि जी सरकार उनको इंप्लीमेंट करने में नाकाम रही, जैसे कि SBM साक्षात भारत मिशन या किसी और चीज के तहत कुछ स्कीमें लाई गई थी, उन स्कीमों को ग्राउंड पर उतारने में सरकार भी और सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे वो नाकाम रहे। फरीद भाई, आपको पता ही है कि हम फील्ड में चलते रहते हैं, हमारी बातें जो है लोगों से होती रहती है, बिल्कुल गुफ्तगू होती रहती है, स्टोरीज करते रहते हैं, हम अपने स्टोरीज के थ्रू जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करते रहते हैं। मगर अगर मैं आज की बात करूं तो आज मैं जिला अपने जिले में गया हुआ था, अपने हेडक्वार्टर पे गया हुआ था डोडा में, जी तो मुझे कुछ लोग वहां पर मिले जो एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज है, डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं इस वीडियो का रुख जो है डीसी साहब के लिए करूंगा, ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो इस चीज के ऊपर गौर और खोज करें। 21 बीस 21 का जो SBM का प्रोजेक्ट था, जी 3-3 लाख के बाथरूम आए हुए थे जो कि एज पर पब्लिक स्टैंड बनाए जाने थे, बिल्कुल उसमें दो किस्म के घोटाले हुए हैं। पहला घोटाला तो ये लोगों की तरफ से, मुझे बात जहां तक मेरे तक पहुंची है, मुझ तक पहुंची है, लोगों का यह कहना है कि हमें किसी बड़े ऑफिसर के द्वारा 40-40 हजार रुपए लिए गए, उसके बाद ये बताया गया कि आपको जो है इंडिविजुअली ये दिए जाएंगे। ये मुझे लोगों इंडिविजुअली की तरफ से, हाँ, कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला एक। अब 2021 में कौन बड़ा ऑफिसर था जिसने वो खाए होंगे उसको तो पता ही होगा। ये मैं ग्रीन सिग्नल आपके थ्रू दे रहा हूं इस वक्त, मुझे पता है किसने खाए, हमारे पास एविडेंस है, सीधी क्लियर बात है। आज मैं यानी ये, कि किफायत भाई, आपके कहने का ये मतलब है आपके साथ कुछ लोगों का राबता हुआ, और बिल्कुल जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाथरूमों के लिए पैसे वागुजार किए गए थे उसमें जो जी है धांधलियां हुई हैं, और आपके कहने का ये जी मतलब है उसमें कुछ अफसर जो है उस वक्त के मुलव्वस रहे हैं, बिल्कुल जिसकी वजह से लोगों को वो पैसे अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं जबकि बाथरूम बने हुए हैं। मुझे लगता है ये आपके कहने का मतलब है। बिल्कुल साफ तौर पर ये आज एक ग्रीन सिग्नल है। उस वक्त के जो ऑफिसरान थे, चाहे वो RDD के अंदर थे या ACD ऑफिस के अंदर थे, ये उन लोगों के लिए ग्रीन सिग्नल मैं भेज रहा हूं यहां से। आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में, सबसे पहले तो मैं उन उन लोगों से गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने वो इंडिविजुअली बनाए हैं, क्योंकि उनमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है उस बनाने में। क्योंकि अगर आपसे कोई 40 हजार या 50 हजार 3 लाख में लेता है और आपसे ये वादा करता है कि ये बाथरूम जो है आप अपने घर में बनाएंगे, आप हमें 40 हजार रुपए दीजिए, तो शायद आप भी गुरेज नहीं करेंगे अपने घर में बनाने को, उस बाथरूम को। आज लोगों को, बहुत सारे लोगों का दामन थामना पड़ रहा है। कभी वो रविंदर रैना जी को फोन करते हैं, कभी वो किसी और को फोन करते हैं, और खालिस ये बात करते हैं कि हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उसको दीजिए, जबकि 40 हजार खाने में वो ऑफिसर नहीं घबराते थे, नहीं डर, उन डर भीम था उनको उस वक्त, तो आज कौन सा डर या भीम है उन लोगों को, आज वो पैसा अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये, वो लोग आज धांधलियों में फंस चुके हैं, उन लोगों के लिए या तो वो 40-40 हजार भी वापस कर दें, और उन लोगों को जो बाथरूम अभी तक नहीं बने हैं उन लोगों को पब्लिक स्टैंड के ऊपर बनवाएं, और दूसरी चीज, जिन लोगों से
पैसा खाया, उन लोगों के पास प्रूफ भी है, उन्होंने किसी ने एमपे के थ्रू पैसा दिया है, किसी ने बाय हैंड दिया है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त लोग कि भाई भाई मीडिया बीच कम में कवरेज आपको करती है। रोकूंगा, बड़ी बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि आप बहसत सहाफी बात कर रहे हैं। दो लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों सामाजिक कारकुन हैं, और मुझे बिल्कुल लगता है लोगों के साथ इनका भी उठना बैठना रहता होगा। बिल्कुल और आपने जो बात की, यूं ही जो है, जिस जब भी मनरेगा के हवाले से बात होती है, आप सभी जानते हैं महकमा दही तरक्की की जानिब से चलाई जाने वाली ये स्कीम हमेशा शहसुर्खियों में रही है, और इसकी शहसुर्खियों में रहने का जो 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 वजह होती है वो अलग अलग हर बार होती है। और जब भी कोई इस पर बात करता है, दो बातें जेर बहस हमेशा आती हैं कि भाई ये वो टॉपिक है कि इस पर जो है बार बार बोला जाता है, या फिर ये वो टॉपिक है कुछ लोग इसका जो है ये बोल बोल कर जो है खाली कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ ये टॉपिक है, जब भी मनरेगा या महकमा दही तरक्की की कोई बात करता है, अभी उसने बात पूरी मुकम्मल की नहीं होती है तो उसको जो है जोड़ देते हैं हम कि भाई ये तो कुछ खाने के लिए ही कर रहा होगा, जो बिल्कुल लोगों से मुझे पता चलता है, ये भी हकीकत है। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों ने जो है रंग में जो है हाथ डाला है। वहीं जिस तरीके की एलिगेशन आपने लगाई है, ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन है कि एक शख्स से डायरेक्ट जो है इस तरीके के 40 या 50 हजार रुपए जिस तरीके से आपने कहा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है आज के दौर में। बिल्कुल हमारे साथ जो है तनवीर ऋषु साहब भी जुड़े हैं। किफायत साहब, मैं चाहूंगा कुछ देर आप इंतजार करें, इनसे भी हम बिल्कुल पूछेंगे बिल्कुल और जावेद भाई से पूछेंगे, क्या ऐसी बातें इनके भी नोटिस में आई हैं, या फिर इसके अलावा कोई मौजू है जो डेवलपमेंट या फिर तरक्की से जुड़ा है, जो रिश्वतखोरी को समाज से दूर करने के हवाले से अगर ये बात करेंगे तो। तनवीर साहब, फिलहाल तो खैर मकदम, एक बार फिर से आपका ग्लिच होने की वजह से मैं आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन तमाम दोस्त आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जी आप भी अपनी बात रखें। शुक्रिया फरीद साहब। जिस तरह से हमारे सीनियर साफी कफायतुल्ला साहब ने एसबीएम पे एलिगेशन लगाई, ऐसा ही सेम हाल मेरे इलाके में, इलाका झकियास, हमारी का टीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी काहरा और झकियास है, जी यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ पुराने गुंडों ने, जो स्मगलर पुराने दौर के हैं, उन्होंने लोगों से 30-30 40-40 हजार लेकर एसबीएम बाथरूम की तामीर के लिए डिपार्टमेंट को दिए। नहीं, वो आज तक बाथरूमों की तामीर हुई, अगर तामीर हो भी गई है, वो किसी ने खुद अपने इस्तेमाल के लिए अपने मकान के पास बाथरूम बनाया है, आज तक उन लोगों की पेमेंटें नहीं हुई। जिस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में एसबीएम के टेंडर हुए, इलाका झकियास ब्लॉक में अभी तक एक बाथरूम का टेंडर नहीं निकाला गया। इसके अलावा मनरेगा में 31 मार्च खत्म हो रहा है, लोगों के शीट नहीं निकले हैं, लोगों के शीट अभी नहीं निकले हैं। 30% से कम प्लान उठाया गया इस बार डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जो ये डायरेक्ट एक ऐसी स्कीम है जो आम शहरी और आम गरीब जनता के साथ जुड़ी है, उन लोगों को इस बार 100 दिन की जगह किसी को 20 दिन निकले और किसी को 30 दिन निकले, किसी को 40 दिन निकले। इसी के साथ साथ जितने भी पहले कफायतुल्ला साहब एक बार बोल रहे थे कि प्याराइज 3 टायर सिस्टम जो है, सबसे मैं अगर एलिगेशन लगाता हूं तो 3 टायर सिस्टम को ही एलिगेशन लगाऊं, क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं रहा है। अगर उनसे कुछ हो नहीं रहा है तो मैं रिजाइन। थ्री टायर सिस्टम यानी तीन पहिया जो सिस्टम है, आपकी मुराद जो पंच और सरपंच साहिबान है, आप डायरेक्टली एलिगेशन उनपे लगा रहे हैं क्या? यानी कि बिल्कुल, आपके बीडीसी कहने डीडीसी का और ये सरपंच, मतलब है कि उन्होंने ही जो है वही इस जो है धांधली में मुलवस रहे हैं, आपके कहने का ये मतलब है? बिल्कुल सर, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि बीडीसी की बात करें या डीडीसी या सरपंचेस की बात करें, वो एक पुल का काम, डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में एक पुल का बिल्कुल काम कर रहे हैं, लोगों से बिल्कुल पैसा वसूल करके और डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। उनका बेशक काम था लोगों की जरूरी सहूलियात फराहम करना, लोगों को बिजली पानी रास्ते वगैरह तैयार करना, वो डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत करके लोगों से पैसा वसूल करके 25-25 30-30% कमीशन डिपार्टमेंट को देते हैं। वापस टाक साहब आपके पास आएंगे। जावेद भाई हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम और खैर मकदम आपका।
मोहतरम किफायत भाई ने भी जो है एक बड़ी बात कह दी, और टाक साहब भी फरमा रहे हैं कि इसमें जो है ये पंचायती नुमाइंदा गांव का भी हाथ है। बहसते एक नौजवान जो है आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर मान लीजिए हमारा कोई पंचायती नुमाइंदा गांव हमसे रिश्वत मांगता है और अगर हम भी देते हैं, क्या हम उसमें गुनाहगार नहीं हो जाते? अगर हम डिपार्टमेंट है, हम जिला इंतजामिया, या हम किसी और पर गलती ठहराते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम भी मुलव्वस हैं और गलती कहीं ना कहीं रिश्वत देने वाले की भी उतनी होती है? या फिर क्या मजबूरियां आपको लगती हैं कि लोग इस तरीके के कदम उठाते हैं, और कितनी हकीकत आपको लगती है ये जो बातें होती हैं? जी मोहतरम, म्यूट आपका मोबाइल है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अनम्यूट कर दें आप। जी जी सबसे पहले मेरी तरफ से सबको प्यार भरा सलाम और आदाब, जितने भी हमारे लाइव व्यूवर्स हैं और हमारे बीच जो मेहमान इस वक्त बैठे हैं, किफायत भाई है और आसिफ भाई और फरीद भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एलिगेशन की जहां तक बात है, ठीक है, जिस तरह से आपने मुझे सवाल किया कि अगर हम रिश्वत देते हैं या चाहे किसी भी लिहाज से, लेकिन इस वक्त अगर हम देखेंगे हर एक पंचायत में लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि क्योंकि हम आप देखें किसी पंचायत में ज्यादातर उन्हीं लोगों को ठगाया जाता है जिनको नॉलेज की कमी होती है। आप चाहे आप किफायत भाई के घर में या फरीद अहमद नायक के घर में या जावेद भट्ट के घर में अगर आपको कोई काम आता है, आपको कोई प्यारा आपको फोर्स नहीं करेगा रिश्वत के लिए, बिल्कुल। वो भी उन्हीं से लिया जाता है लेकिन जावेद भाई, फिर किफायत जिनको भाई और जावेद भाई के घर में कहां से काम आएगा? वही तो मसला है ना। जी बात तो आप मुझे क्लियर करने दो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई काम आता है, क्योंकि आपको पता है आज बोलने वाले जिसको भी थोड़ा सा इलम होता है तो उसको पहले ही चुप कराया जाता है किसी भी वजह से, चाहे कोई काम लेकर या कुछ भी। तो इल्जाम तो लगता है, बिल्कुल ठीक लगा है जिस तरह से इन भाइयों ने लगाया, बिल्कुल ऐसा होता है, हर एक पंचायत में ऐसा होता है। लेकिन जो किफायत भाई ने आज बाथरूम की बात की थी, SBM SBM जी, तो आज की डेट में हमारी पंचायत में भी दो बाथरूम आए हैं, 2,91,000 आई थिंक उसका अमाउंट है। किफायतुल्लाह सईद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शायद उन्हीं की ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, 3 लाख किफायतुल उनकी अमाउंट है, 2,91,000 समथिंग है। तो उसमें आज की डेट में हमारी पंचायत में दो बाथरूम आए हैं, वो दो मस्जिदों पे रखे गए। एक तो मस्जिद जो हमारी पार्वती डुगा में है, और एक न्यूली मस्जिद हमारी बनी है पंचायत रोतीपदना जो मैन है हमारा, वहां पे बनी है। जी तो अब जाके मैंने सुना आज कहीं जो हमारे 8 से 9 कॉन्ट्रेक्टर है पंचायत के, उसमें सरपंच साहब का भी हाथ है, बाकी उनके कुछ जो भी है कॉन्ट्रेक्टर। तो आज की डेट में मुझे कंफर्मेशन हुई है कि उन्होंने कहीं 10-10 हज़ार पे सटा बटा किया आपस में, तो वो दो बंदों जी को दे दिए। ठीक है, अगर डेवलपमेंट होती है तो अब कॉन्ट्रेक्टर को अपनी मर्जी है वो क्या करते क्या नहीं करते, मुझे लगता है ये भी गलत है। तो अब उन्होंने कोई सटा बटा करके तो बाथरूम का काम अब शायद कुछ दिनों में लगने वाला है। तो अब लोगों की जिम्मेदारी है कि अब अगर किसी मस्जिद या मंदिर या किसी भी गुरुद्वारे में आप काम करते तो वो वहां पे लोगों ने स्टैंड लेना है, क्योंकि आप देखते हैं हमारे बिल्कुल साइड अब अगर 3 लाख का काम है तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल तो उन्होंने लगाना है, क्योंकि जो ईंट लगाएंगे बिल्कुल वो भी तो हमारी लोकल लगनी है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ उन जेई साहब से, AEW जितने भी जो भी इनको वाच करते हैं, उनको रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ से कि वो जाके देखे मटेरियल का कम से कम चेक करें, क्योंकि लोकल वहां पे आप अगर एक मस्जिद के लिए लगाते हैं या मंदिर के लिए लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता है उसको ज्यादा टाइम निकलेगा। तो अगर आप उधमपुर या कहीं और से बाहर से ईंट वगैरह लाते हैं तो फिर जाके काम अच्छा बनेगा, बिल्कुल लेकिन फिर वही बात आती है, हम लोग तब सामने नहीं आते हैं। तो मेरी यही आज भी लोगों से रिक्वेस्ट रही थी कि आपके अगर मस्जिद में कहीं भी किसी भी जगह पे कोई काम हो रहा है तो आज अगर दो बाथरूम आए हैं तो अच्छे तरीके से, आज हमारे पास मौका है कि उनको आज एक अच्छी बुनियाद के साथ बनाएं, ताकि बिल्कुल उनको थोड़ा टाइम निकले। नहीं तो हम लोकल लीड कहीं मलना से उठाए, कहीं दड़ा से उठाए, कहीं गुन्ना से उठाए, कहीं पदना से उठाए, तो उनको कितना टाइम निकलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो जई हजरात जो भी होंगे वहां पे उनसे भी कि बिल्कुल थोड़ा सा मस्जिद के, अगर आप लोगों के कामों का तो आपने बेड़ा कर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने एक पर्सनल ग्राउंड जो हमारा था पंचायत रोदी पदरना का, तो उसमें भी बड़ा कुछ आज सुनने को मिल रहा है। अब कोई
जो काम था, कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे नालायकी किसकी है? उस जेई साहब की है, उस डिपार्टमेंट की है जो उसको वॉच करता है, क्योंकि लोग तो कोई नहीं सुनता इस वक्त। अगर मैं एक आवाज उठाऊंगा तो दूसरे फिर दबाने की कोशिश करते हैं। तो वापस जावेद भाई आपके आपने पास आएंगे, वापस आपके पास आएंगे। बहुत सारे कमेंट बीत गए, लेकिन लास्ट के दो कमेंट है, इन्हें मैं पढ़ दूं, उसके बाद किफायत भाई के पास जाएंगे। लास्ट में हिलाल साहब ने कमेंट किया है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे उम्मीद यही है। गुलाम रसूल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम अस्सलाम। बशारत शेख साहब फरमा रहे हैं, इस बारे में भी डीसी साहब से बात करना। किस बारे में आप फरमा रहे हैं, थोड़ा सा वजाहत कीजिए, या फिर आपने पहले हो बिल्कुल सकता है कमेंट किया हो तो मुझे जो ही पता चल जाएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मलिक साहब ने कमेंट किया है और फरमा रहे हैं, फरीद भाई क्या बाथरूम्स को कंस्ट्रक्ट करना ही डेवलपमेंट है? और एक जो लाइन इन्होंने लिखी है काफी खूबसूरत है कि सितारों से आगे जहां और भी है। भाई, इन्होंने तो अगर मोहसिन एक साहब ने मिनट में मैं आपको जी रोकना चाहूंगा, जी जी रोकना चाहूंगा फरीद भाई, जी जी अगर ये कमेंट जो लिखा है TH मलिक साहब ने, आपके लिए बाथरूम को कंस्ट्रक्ट करना ही डेवलपमेंट है। आपका तो जज्बा है, आप हर रोज लाइव आते हैं, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है अपनी पंचायत में? अगर ये भी लाइव आकर वहां पे दिखाएंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उंगली उठाना आसान होता है। आप जावेद भाई, किसी इनका कमेंट जो है, जहां तक मेरा अंदाजा है, ताहिर ये जो मलिक साहब है हमारे हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं, इनके इनका एक अलग सवाल था। इस वक्त मुझे समझ आ गई ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब ऐसे जो है ये तनकीद जो है नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनके कहने का ये मकसद है कि ये पूछना चाह रहे हैं क्या, क्योंकि इस वक्त जो है हम लोग भी, ये सही है कि हम जो है घिरे हुए हैं कुछ खास चीजों के इर्द गिर्द। तो इनका जी कहना एक चीज सही है कि क्या बाथरूमों की बात करना ही डेवलपमेंट है? तो बिल्कुल नहीं है, खाली बाथरूमों को कंस्ट्रक्ट करना डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट तो एक दूर की चीज है, बाथरूमों को कंस्ट्रक्ट करना, किसी जगह सड़क पहुंचाना, किसी जगह स्कूल कॉलेज, किसी जगह बाथरूम, या किसी जगह ये मान लीजिए हेल्थ की कोई फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी, ये तमाम चीजें भी अगर पहुंच जाएंगी ये भी डेवलपमेंट नहीं है, ये बुनियादी सहूलियात है। और इस वक्त जिस तरीके से आप तमाम दोस्त जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुकूमत वक्त का, तब से जब ये पहले से शुरू हुआ था, इसका नाम क्या था किफायत भाई, मेरे जहन से निकल चुका है, स्वच्छ भारत अभियान, हाँ, तो तब से अब अभियान तक, बिल्कुल, तब से अब तक जो ये तमाम जो ये स्कीम चलाई जा रही थी, जो ये मुहिम चलाई जा रही थी, मैं काफी खुश हुआ इस चीज से। क्यों? क्योंकि एक अवेयरनेस हर शख्स के पास पहुंची और पर्दादारी का एक सिस्टम यहां से जाग उठा। आप जानते थे कि पहले हर जगह, मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे जहां जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, किफायत भाई के इलाके की बात करूं, हर जगह जो है उठकर बाथरूम तो होते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं बेपर्दगी का माहौल था, हर जगह बदबू का आलम होता था। लेकिन जब से एक स्कीमें शुरू हुई हैं, लोगों को बेदार किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना किया जा रहा हो। मैं नहीं बोलता कि 100% इस स्कीम का ही हाथ इसमें है, बहुत सारे जो साहिबे नजर लोग हैं, साहिबे इलम लोग हैं, उन्होंने भी लोगों को आगाह किया और ये जो गंदगी थी ये साफ होती रही। लेकिन इस स्कीम का एक बहुत बड़ा हाथ था, जो गरीब बेचारा मुस्तहिक नहीं था, जिसको उतना उतनी औकात नहीं थी कि वो बाथरूम बना पाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम बनाई थी कि भाई बेचारा अपने घर के आसपास एक बाथरूम बना लेगा और कुछ पैसे उसको दिए जाएंगे, मदद भी मिल जाएगी, और ना बिल्कुल तो गंदगी बाहर फैलेगी और ना ही कुछ बाकी चीजें, बीमारियों तो से ये भी बच बिल्कुल बीमारियों से बचने के लिए। तो हुकूमत का तो मैं अप्रिशिएट करता हूं हुकूमत के इस कदम को, लेकिन जिस तरीके से किफायत भाई ने कहा, जावेद भाई ने कहा, हमारे साथ रिशु साहब जुड़े हैं, इन्होंने कहा कि इस स्कीम को भी जमीनी सतह पर बेहतर तरीके से नहीं लाया गया है, हर जगह जो है मसाइल पैदा हो गए, तो ये कहीं ना कहीं काफी दुख भरी बात है। बाकी ये जो चीजें हैं, मैं मानता था इन्हें डेवलपमेंट, लेकिन इस डेवलपमेंट नहीं, एक सीढ़ी मानता था, एक एक छोटा सा कदम मानता था, लेकिन अब इन धांधलियों ने इस तमाम चीज को, इन तमाम हालात को कहीं और ही की तरफ रुख कर दिया है, जो काबिले मजम्मत है, काबिले दुख है। एक और कमेंट पढ़ते हैं, एक दो कमेंट पढ़ते हैं, किफायत भाई आपके पास आ जाएंगे, कुछ जी। देर इंतजार करेंगे, माजरत के साथ कहना चाहूंगा। मोहिद्दीन राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, यासिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम असलम मोहिद्दीन जी। मलिक साहब ने फरमाया नॉट ए तनकीद
तनकीद ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सा, हाँ, पॉजिटिव माइंड हैव पॉजिटिव थॉट्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मैं समझ गया था आपकी बात को, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिसके भी सवाल हैं सवाल जरूर कीजिएगा, अगर हम में कोई कोताही लगती है, हमें भी कोई मतलब हमसे भी कोई गलती होती है भाई, हमसे क्या बड़े बड़ों से होती है, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है कि बिल्कुल हकीकत में डेवलपमेंट क्या है, हकीकत में तरक्की क्या है। इस बीच गुलाम मोहम्मद साहब गमगीन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और रविंदर कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। यहाँ पर फरीद भाई जी हमारे साथ शौकत अली साहब पोस्ता से बिल्कुल, है, हाफिज साहब बहुत जी जी हाफिज साहब, तो इन्होंने एक कमेंट लिखे है, सरकारी पैसा मस्जिदों में लगाना जायज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जी अब इस पे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, किफायत भाई के पास जाने जाना पड़ेगा, बहुत सारे मेहमान आप भी वेट कर रहे हैं, रिशु साहब वेट कर रहे हैं। एक आखिरी बात मैं कह दूं फिर सीधा किफायत भाई के पास जाएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं, बिल्कुल हम सबको ज्वाइन करेंगे, कुछ देर इंतजार कीजिए, हमें आधा घंटा और आगे लेना पड़े वक्त से आगे तो हम ले जाएंगे, लेकिन आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर कर दे तब तक, ताकि तमाम दोस्तों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो बिल्कुल लाइव का हिस्सा बन पाए। जी किफायत भाई, फरीद भाई, यहाँ पर जो टी एच एम मलिक साहब हैं, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, सितारों से भी आगे और जहां है। जहां इन्होंने और भी बड़ा खूब कहा, बिल्कुल बड़ा खूब कहा। और इन्होंने कहा कि क्या बाथरूम ही जो है तरक्की है, बाथरूम ही। जहां तक अगर बाथरूम की बात मैं करूं, तो आज से पहले 10 या 15 साल पहले हमारी बेटियां, हमारी माँ, हमारी बहनें, इवन की बेशक जिसकी शादी हुई होती उसकी वाइफ भी जो है, उसकी घरवाली जो है, खेतों में जाती थी जो है, पेशाब करने के लिए, पाखाना करने के लिए खेत में जाती थी। और लद्दाख और इस हमारे एरिया में कोई फर्क नहीं थी। मैं लद्दाख 3 बार अभी तक गया हूँ, 2 बार काम के सिलसिले में गया हूँ, 1 बार चक्कर मारने गया हूँ, टूर पे गया हूँ। अगर आप में से बहुत सारे लोग लद्दाख गए होंगे जो देखने वाले हैं, आज के दौर में भी लद्दाख में उतना पानी नहीं है, इसलिए लद्दाख में जो दूर दराज एरियाज हैं वहां पर वो जो बाहरी बाहर होता है, वो पहाड़ी एरिया है, वहां पर वो शौच करने के लिए जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं। वहां पर जब सुबह जब हमारे मजदूर भाई, एक ग्राउंड है जो ऊपर टैक्सी स्टैंड के साथ में ही है, जब वहां पर सुबह जाते हैं ना, लगभग लगभग 200-300 लोग होते हैं, मतलब लाइन में लगे होते हैं, कोई शर्म धर्म नहीं होती है। वहां पर सिर्फ एक चीज मना है, वो हंसना मना है। आप एक दूसरे के ऊपर हंस नहीं सकते हो, बाकी आप वहां पर जो मर्जी सब करो। इंजॉय करते हैं इकट्ठे। कहीं ना कहीं ये जो बाथरूम का सिस्टम चला था, ये तरक्की की ओर ही चला था। इससे हमारे एरियाज में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी। हमारा जो जब बाहर जाते थे तो उसमें हमारी बेटियों को शर्म आती थी, हमारी बहनों को शर्म आती थी, हमें जो वो अनकंफर्टेबल महसूस होता था। इससे बहुत कुछ हुआ था पंचायतों में, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। पर इसमें भी बड़े बड़े स्कैम किए गए। आपको जी याद होगा कि आपके पंचायतों में बाथरूम दिए गए थे, जब वो 12-12 हजार के SBM बाथरूम मिलते थे, उनमें भी जो है टीन के स्टार्टअप दिए गए थे, जो 3-3, 4-4 हजार में जो है तामीर होते थे और वो 12 हजार में लोगों को दिए जाते थे। उसमें भी बहुत बड़ा RDD की तरफ से स्कैम हुआ, उसमें भी RDD की तरफ से बहुत बड़ा स्कैम हुआ। उसके बाद आज जब ये 3-3 लाख TAA मलिक साहब ने लिखा है कि क्या बाथरूम ही डेवलपमेंट है, जनाब 1,30,000 में लोग मकान बनाते हैं, 3 लाख में बहुत बड़ी बिल्कुल बिल्डिंग बनेगी अगर हम जैसे लोग बनाने आएंगे। 3 लाख बहुत कुछ होता है। अगर एक पंचायत में 4 बाथरूम बनेंगे ना 3-3 लाख के, वो 12 लाख अमाउंट होता है। अगर हम उस 12 लाख, उन 12 लाख रुपयों को इसी तरह तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, मुझे लगता है फिर हम डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे। और इसी तरह से अगर हम लंबा लफंगों को खाने देंगे, जिस तरह RDD महकमे में
कुछ बने हैं, सरफिरे बने हैं, जिन्होंने 40 40 50 50 हजार रुपया जो है खाया है, और फिर भी वो काम नहीं हो रहा है, फिर भी उन लोगों को, जिन लोगों ने काम किया भी है, उन लोगों को पैसा नहीं मिल एक रहा है। तो ये तो मुझे लगता एक है एक सरकार सवाल जो एक है ना सवाल इससे इंसाफ जुड़ा हुआ मेरे भी दिमाग में आया है, मैं आखिर में आपको पूछूंगा किफायत भाई, लेकिन फिलहाल ऋषु साहब को ये सवाल पूछूंगा। आप सहाफी हैं तो मुख्तलिफ तरीकों से इसका जवाब देंगे और हालात तो वाकत से आप वाकिफ भी हैं, ऋषु साहब भी होंगे। ऋषु साहब, जिस तरीके से SBM की हम बात करें तो बाथरूमों का भी एक अलग अलग प्रोग्राम चला, पहले 12,000 दिए जाते थे, फिर बहुत सारे ब्लॉक्स में वो टीन के बने हुए रेडीमेड हम कहें बाथरूम दिए गए, और आजकल आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर उनके उनके अंदर जो है घास लोग महफूज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो पैसा था वो वेस्ट किया गया था या फिर लोग ही उस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत सारी जगहों पर मुझे भी देखने को मिला कि उसके अंदर खाली घास भरी होती है, तो इसके बारे में कोई बात करेंगे आप? जी फरीद भाई, जिस तरह से आपने कहा पहले 12,000 दिया करता था SBM में, फिर वो यूज एंड थ्रो वाले बाथरूम लाए। देखिए, गवर्नमेंट की एक स्कीम होती, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि हर जगह लोग बाहर शौचालय करने के लिए बाहर जाते थे, हर घर में बाथरूम दिए गए 12,000 के। जब तक गवर्नमेंट ने देश एक सर्वे की कि देखा कि ग्राउंड लेवल पे ये 12,000 के बाथरूम मुकम्मल तौर पे बन गए हैं। अब पंचायतों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ग्राउंड ग्राउंड जमीनी सतह के लीडरों ने किसको दिया किसको नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक सेंसिस की गई जिसमें पाया गया कि लोगों को बाथरूम आया, चल चल मुझे बाथरूम। आपको लाइव के दौरान मुझे लाइव काट अपना काट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इलाके में हमारे एक मास्टर थे, उनकी जो है मैंने सुना कि उनकी डेथ हो गई है, मेरे उम्र के हैं, तो मुझे अफसोस से जो है काटना पड़ेगा। और मेरे काबिल दोस्त भी थे, मैंने सुना काफी शॉक न्यूज़ है। फोन भी मुझे बहुत सारे आए, मैं फोन काट रहा था, मगर मुझे इन्फॉर्मेशन घर वालों की तरफ से मतलब मिली ये कि नाम मेरे आप बता आरिफ पाएंगे ये कहाँ पे हुआ? आरिफ महमूद नटनू, अभी तो इन्फॉर्मेशन आई, अभी क्लियर नहीं है मेरे पास, मगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है कि आरिफ महमूद नटनू जो है मेरे काबिल दोस्त थे, और मेरे चले चले, बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल मुझे बिल्कुल, मैं माफी मुझे चाहूंगा। इजाजत चलिए, दीजिए, खुदा खुदा हाफिज।